मध्य प्रदेश में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के सामने एक दिवसीय सांकेतिक तरीके से भिलिस्तान लाइन सेना ने बड़ी संख्या में महिला बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया। आदिवासियों की छल पूर्वक जमीन अधिग्रहण व नौकरी को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। यह मामला विधानसभा मनावर के ग्राम टोंकी में स्थित फैक्ट्री का है। भिलिस्तान लाइन सेना द्वारा आज अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जमकर नारेबाजी भी लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष व बच्चे पहुंचे। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ने लगभग 32 गांव के किसानों की जमीन अधिकृत की है, जिसमें अधिकांश जमीन आदिवासियों की है, जिसमें धार जिला के 5वें अनुसूची क्षेत्र में आता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद और वन अधिकारी कानून के अनुसार आदिवासी की जमीन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। फिर भी हजारों परिवार की जमीन सीमेंट फैक्ट्री को कैसे आवंटित हुई? शासन प्रशासन की सांठगांठ की वजह से यह कारनामा मध्य प्रदेश के विधानसभा मनावर में स्थित आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ने कर दिखाया है। सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व गरीब आदिवासी किसानों को धोखे में रखकर यह बताया गया था कि तुम्हारी जमीन पर शासकीय फैक्ट्री बनाना है, जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। क्या नाम है आपका और किस पद? लक्की जागीरदार, बिलिस्तान लाइन सेना से मैं मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस सम्मान को लेकर आपने धरना दिया? बिलिस्तान लाइन सेना द्वारा आज अल्ट्राटेक फैक्ट्री के मुख्य गेट के सामने धरना दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो अल्ट्राटेक कंपनी ने जमीन अधिग्रहित की थी, वहाँ पे उन्हें ये बोला गया था पहले जब 2012 में अधिग्रहित के लिए आए थे कि कोई शासकीय फैक्ट्री आ रही है और तुम्हें जमीन देना पड़ेगी उसके लिए, और तुम्हें करोड़ों रुपए मुआवजा एवज में और एक व्यक्ति की नौकरी लगेगी। बाद में जब अभी 2019 में जाँच पड़ताल की गई, मुआवजा इनके पैसे जो 2-3 लाख रुपये ही मिले अभी तक इन्हें, जब इनके द्वारा जाँच पड़ताल की गई तो इन्हें पता चला कि इनकी जमीन 30 साल के लिए लीज पर ली गई। इन्हें धोखे में रख के इनसे जमीन पर इनके हस्ताक्षर कराए गए, इनके कोई परिवार से कोई सहमति नहीं ली गई। कुल मिला के अल्ट्राटेक कंपनी ने आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसके विरोध में आज सांकेतिक धरना है। हमारा मांग ये है कि आदिवासियों को उनकी जमीन पुनः वापस दी जाए। अगर अल्ट्राटेक कंपनी 1 महीने के अंदर उनकी जमीन वापस नहीं करती है तो भिलिस्तान लाइन सेना द्वारा एक महीने बाद यहाँ पे अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 5 राज्यों के भिलिस्तान लाइन के सेना के साथी और सभी गाँवों के जितने भी प्रभावित गाँव के पीड़ित लोग उनके साथ में यहाँ पे स्थायी रूप से धरना दिया जाएगा और खाना सामग्री वगैरह सब हम यहाँ पर लाके रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आपका और कहाँ रहते हैं? श्रीलाल जी, कहाँ रहते हैं? करौंदिया। क्या हुआ, क्या लपड़ा है? ये हमारी जमीन अधिकरण जबरदस्ती की इन लोगों ने 2012 में। हमने इन अधिकारियों को बोला था हम जमीन नहीं देंगे, इन्होंने बोला था कि दोगे जब भी लेंगे, नहीं देंगे जब भी लेंगे, चाहे कुछ भी करो नहीं तो तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा था कि 5 साल के लिए सरकार ले रही है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं ले रही है, सरकारी जमीन है, सरकार ले रही है 5 साल के लिए केवल। तो हमने इनको 5 साल के लिए दी थी जमीन, और ये बता रहे 30 साल, हम 30 साल के लिए जमीन नहीं देंगे। फिर अभी ये शनिवार और शुक्रवार को SDM साहब और TI वगैरह सब ये गए थे वहाँ पे काम अपना चालू करने के लिए, दल बल से मतलब आनाकानी कर रहे थे SDM साहब वगैरह, TI वगैरह। फिर हमने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये TI वगैरह और पुलिस वाले बोले कि हम तुमको गोली मार देंगे, हट जाओ, ऐसा करके हमको धमकाया डराया। हमने कहा कि मारो गोली तो मारो, देर किस बात की है, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। TI कौन है? TI गंदवानी का और ये मनावर का, दोनों TI। SDM साहब भी साथ में थे। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।